हाय गाइस व्हाट्सअप एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं। एक्चुअली हम हर रोज़ काफ़ी स्टूडेंट से मिलते हैं और कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि स्टूडेंट चीज़ों के लेकर काफ़ी डिप्रेस होते हैं। हालांकि वो एक्सपेक्ट तो बहुत ज़्यादा करते हैं इन टर्म ऑफ इंग्लिश और इन टर्म ऑफ लर्निंग एनीथिंग। आज मैं सिर्फ इंग्लिश के बारे में नहीं बात कर रहा बल्कि मैं उन हर चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जो बच्चे अपने आँख में एक सपना बसाए होते हैं। बेसिकली हमें फोकस क्या करना चाहिए, हम कैसे चीज़ों को इनिशिएट कर सकते हैं, उस सब के बारे में हमारी एक एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि अगर हम खुद पे विश्वास करें, अगर हमारा खुद का विश्वास काफ़ी स्ट्रांग हो तो हम दुनिया का कोई भी हर्डल क्रॉस कर सकते हैं। सी पर्सनली आई फील दैट यू हैव टू बी अ पर्सनैलिटी एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ पर्सनैलिटी मीन्स वॉट यू हैव टू बी स्मार्ट इंटेलिजेंट। तो ये इंटेलिजेंसी आती कहाँ से है, ये स्मार्टनेस आती कहाँ से है? एक्चुअली ऐसा कोई कुछ नहीं होता कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं। एक्चुअली काफ़ी बच्चे हमारे पास आते हैं और हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ। तो मैं हर वक्त उन्हें एक ही चीज़ समझाने के प्रयास करता हूँ कि कोई कमज़ोर नहीं होता, बस ज़रूरत है हमें चीज़ों के साथ फैमिलियर होने की। अगर हम जैसे जैसे फैमिलियर होते जाएंगे हमारा नॉलेज वैसे वैसे इन्हांस करते जाएगा और ये नॉलेज हमारे लिए एक काफ़ी बड़ी चेंजेस हमारे लाइफ में लेकर आएगा। सी मैं इस वीडियो के माध्यम से बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ दैट प्लीज़ बिलीव ऑन योर सेल्फ बिकॉज यू आर ओनली द पर्सन who can make a prominent change in the term of education, in the term of health, whatever. अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप डिप्रेस हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में कुछ मिस कर रहे हो, तो मैं बस इतना ही चाहूँगा कि आप उस मकसद को याद करो जो आप अपने लिए देखे हो, उस सपने को याद करो जो आप अपने लिए देखे हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये प्रेजेंट करूँगा कि मकसद क्या है होना चाहिए, सपने क्या होना चाहिए और अगर सपने को हमें साकार करना है तो हम कैसे करेंगे, अपने मकसद को फुलफिल करना है तो हम कैसे करेंगे और सपना मकसद का सही परिभाषा क्या है, सही डेफिनेशन क्या है। थैंक यू फॉर टुडे और जस्ट सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद भारत।